हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं बोरीवली रेलवे स्टेशन और आज हम लोग जाने वाले हैं मरीन ड्राइव्स घूमने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि भाई पब्लिक रिएक्शन वीडियो बनाओ। तो आज का ब्लॉग बहुत ही खास होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने कमेंट किया था पब्लिक रिएक्शन वीडियोज़ देखने के लिए। तो जुड़े रहें हमारे साथ, चलते हैं मरीन ड्राइव्स। और भाई इवनिंग का टाइम रहेगा, बहुत ही मजा आने वाला है। और मेरा शॉर्ट हो गया यार, बोरीवली में आया उधर उतर गया और इधर से ट्रेन मिलने वाली थी, वापस से चढ़ गया है ब्रिज पे। तो चलते हैं नीचे और ट्रेन पकड़ते हैं बोरीवली से चर्च गेट की। सो फाइनली गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूँ मरीन ड्राइव पर। जैसा कि आप देख रहे हो इतना मस्त और बेहद खूबसूरत नज़ारा लग रहा है यार। एक चीज़ कमी है लोगों को यार, नीचे नहीं उतरने देने, मचा दिए होते लोग अब तक में, बस यही गम है और पानी बहुत ज़्यादा है। जो मैं भाई तेरा बोल देता है वो कर ही देता है, इसलिए आप लोग एंजॉय करो। जो मेरे नीले ना होते फोटो पे मेरे साथ, पूरा का पूरा मरीन ड्राइव नज़ारा मस्त है। जो भाई जिसका इधर घर रहता होगा ना यार, रूम के लिए तो भाई मस्त जगह है। क्योंकि इतना कूल लगता है ना इधर, वाह क्या हवा चलती रहती है। बस आप लोग मेरा गम समझ सकते हो, अकेले घूम रहा हूँ, सपोर्ट करो यार। इतना सारा पानी भरा हुआ है इधर और उतना ही गम भरा हुआ है इधर, भाई के अंदर बहुत गम है। तो भाई खूबसूरत सी शाम मरीन ड्राइव की और यहाँ पर काफ़ी मस्त नज़ारा मुझे लग रहा है यार। इतना कूल लग रहा है ना, मतलब हर जगह गर्मी होने के बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी कूल लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर ना बगल में ही समुंदर है और इतनी प्यारी प्यारी हवा चल रही है। काफ़ी दूर दूर से लग, मतलब पूरी मुंबई भर के लोग इधर घूमने आते हैं यार इवनिंग में और मॉर्निंग में भी। संडे को अगर मॉर्निंग में आप इधर घूमने आते हो तो कुछ ज़्यादा ही लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, मगर इवनिंग में भी काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं विद फैमिली ज़्यादातर। हमें प्यार हो गया हद से ज़्यादा, लोग आते हैं और कुछ लोग ऐसे मतलब अपने पार्टनर के साथ भी घूमने आते हैं। नहीं, हम पार्टनर के साथ नहीं आए, हम फ्रेंड्स के साथ। तू मेरा हीरो नंबर वन। तो फ्रेंड भी तो एक पार्टनर जैसा होता है। आप लोग मतलब इधर के ही हो मुंबई? तेरी आंखों का अंदाज कहता है। तीन लोकल सब लोग तो नहीं, हम मुंबई के नहीं, बाहर से आए उधर आप घूमने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफी तन्हा जीते थे, खुद से बातें करते थे। दूर दूर से लोग मतलब जो भी मतलब मुंबई अगर विजिट किए हैं घूमने के लिए, तो मतलब मरीन ड्राइव तो सभी यार घूमते ही घूमते। जैसे कि मैंने मतलब सोचा कि यार मरीन ड्राइव घूम के आता हूँ, सेम कुछ उसी तरीके से काफी दूर दूर से लोग, क्योंकि यार लैंग्वेज ये लगे क्या ही, क्या कह रहे हो आप? मतलब किसी अपने ओरिजिनल लैंग्वेज बोलिए ना, जो भी बोल रहे थे आप। ओरिजिनल लैंग्वेज हम गुजरात से है, गुजराती बोलते थे आप। अच्छा कुछ बोलो ना आप मेरे दर्शकों के लिए गुजराती में, ऐसा बोलो कुछ, बोलिए ना। केम छो सगला, केम छो सगला, अम्मी मस्त, मस्त झमाझम, एकदम बढ़िया हूँ मैं, एकदम मस्त हूँ। तो ऐसे ही यार इतने प्यारे प्यारे लोग यहाँ पर घूमते रहते हैं यार, नहीं आप लोग सपोर्ट करते हैं हमारे ब्लॉग को, चैनल के घंटे को ऐसे ही दबाते रहें ताकि हमारा और बड़ा हो सके चैनल और आप लोग मेरी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। यहाँ पर बुढ़े जवान बच्चे सभी आते हैं घूमने के लिए, जो बुढ़े हो गए वो भी आते हैं जवान होने के लिए। मतलब और फॉरनर्स भी आते हैं, ये देखिए। हाय एक्सक्यूज मी, हाय हेलो, हाय हाय, देखिए यहाँ पे काफी, वेयर आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम? नेदरलैंड्स। आग लगा दी इंग्लैंड वाले दिख जाए तो उनको चढ़ाई कर देता हूँ मैं। मतलब इंग्लैंड वालों के ऊपर मैं चढ़ाई पक्का कर देता हूँ, अगर मेरे को दिख गए गलती से भी ना इंग्लैंड पे इंग्लैंड के लोग, सीधा चढ़ाई कर देता हूँ। समझ रहे हो ना? और एक आंटी जी यहाँ बैठी है, उनसे थोड़ा सा बात करते हैं। वैसे यहीं पे भाई थोड़ा सा और बैठता हूँ मैं, फिर उसके बाद निकलूंगा, क्योंकि इतना दूर से जब मैं मुंबई घूमने आया तो टिकट का पैसा भी वसूल अगर नहीं हुआ तो क्या खाक मुंबई आया? हमारे जैसे हैंडसम लोग कम है दुनिया में, क्या ही करूं मैं, क्या करूं भाई, ये भगवान की गलती है। मैं थोड़े ना बोला कि सबको खूबसूरत मत बनाओ। अरे यार कुछ लोग बोलते हैं मेरे से, भाई आप बड़े हैंडसम हो।
मैं बोला भाई तू भी हैंडसम बन जाना भाई सागर कर, तो भाई मेरी गलती थोड़े ना मैं हैंडसम हूँ, भगवान को जाके बोलो तुम लोग। जो सिंगल रह जाते हो वो सोचते हैं कि मैं सुंदर ही नहीं हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, क्या है ऐसा भाई? दिल तोड़ने का नहीं, कभी भी हर इंसान को कोई ना कोई मिल जाता है, आप लोग को भी कोई ना कोई मिलेगा, जैसे मुझे कोई नहीं मिल रहा है, आपको भी नहीं मिल रहा है, कभी ना कभी कोई ना कोई मिल जाएगा, टकरा जाओगे, जिंदगी झंड हो जाएगी। ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है। अभी लग रहा है ना कि कोई मिल नहीं रहा है, प्यार नहीं हो रहा है, जिस दिन मिल जाएगा जिंदगी झंड हो जाएगी। मैं कोई शादीशुदा इंसान से बात करता हूँ जिनकी शादीशुदा हो चुकी है, शादी हो चुकी है कुल मिला के उनसे, अंकल जी थोड़ा सा बात करना चाहेंगे आप हमारे दोस्तों से? क्या आप मैरिड हैं? शादी हो चुकी है ना आपकी? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नहीं हुआ है, मैं ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिनकी शादी हो चुकी है। ये इधर है, वो काम में बिजी है, काम वालों को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ मैं। अभी मैं दूसरे को ढूंढता हूँ जो जिनकी शादी हो चुकी है। आपकी शादी हो चुकी है क्या? हाँ मेरी हो चुकी है। बताओ ना कैसा लग रहा है शादी होने के बाद आपको? शादी होने के बाद तो बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, जिंदगी झंड जैसी नहीं लग रही आपको? लग रही है, इनकी मस्त लग रही है। जिंदगी झंड लग रही भाई, मैं बताया ना हकीकत वाली बात है भाई। मैं तो एक्सपीरियंस मेरे को है नहीं कि, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है। एक अंकल इधर बैठे हैं, इनकी भी आई थिंक शादी तो भाई हुई है उसमें चैनल के जरिए। अंकल जी आपकी शादी हो गई है, थोड़ा बात कर सकते हैं आप मेरे से? यही कि शादी करने के बाद आपको कैसा लग रहा है, कृपया बता सकते हैं आप? हाँ सर। इसका मतलब आप फंस चुके हैं, बताइए ना थोड़ा सा कैसा लग रहा है शादी के बाद, कैसा लगता है? लोग कहते हैं शादी वो लड्डू है जो खाओ तो भी पछताओ, जो ना खाओ तो भी पछताओ, तो खा के पछताओ। आप क्या कहना चाहोगे, बोलो ना कुछ। क्या बोलूँ? अरे मेरे को शादी करने का, इसलिए मैं सबसे ओपिनियन ले रहा हूँ कि मतलब करूँ या ना करूँ। टेंशन। देखा आपने लापरवाही का नतीजा बहुत है ना जिंदगी में, मैं समझ गया आप भी परेशान इंसान है भाई। लो मतलब अब ना मैं सबसे बात कर चुका हूँ, मतलब जो बॉयज हैं जो भी रिसेंटली गर्लफ्रेंड वर्ल्ड पटाए होंगे उनसे बात करते। भाई आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? झूठ मत बोलना। अरे थोड़ा बात कर लेना यार, क्या दिक्कत? अरे कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं यार? तो फिर डरने वाली क्या बात है यार, फैमिली के साथ आया है तो गजब। भाई आपसे पूछता हूँ, आप लग रहे हो मेरे को, नहीं आंटी से पूछूंगा, तो लड़कों से बहुत पूछूं। आंटी थोड़ा बात करोगी क्या? नहीं नहीं। अरे थोड़ा सा बात कर लो ना, अरे सुनो तो, थोड़ा सा बात कर लो। आंटी भाग रही। चल भाई तू बता अपने को, तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं नहीं है। क्यों यार? अरे डर मत यार भाई, घर पे पहुंच जाएगा। प्लेयर है हम, कबड्डी प्लेयर है। कबड्डी प्लेयर है, कबड्डी प्लेयर है तो लड़की नहीं पटाओगे? सात बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। गजब जिंदगी है फिर आपकी तो। ये हाँ तो आप बताओ ना भाई। अरे गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं नहीं। पटाना चाहते हो कि नहीं? अभी पटाना भी नहीं, फिर किसी काम के नहीं हो। जो लड़की हमारा वीडियो देखती है फिर उन क्या ही बोलेंगी कि यार लड़का ही ढूंढ के दो। भाई आपकी शादी हो गई क्या? हो गई। कैसा लग रहा है शादी करने के बाद? सही लग रहा है। सही लग रहा है, जिंदगी झंड नहीं लग रही आपको? अच्छा लग रहा है भाई, इनकी शादी सक्सेसफुल रही फिर इनको मतलब मजा आ रहा है जिंदगी में। मैं ऐसे लोगों को ढूंढना चाहता हूँ जो शादी के खिलाफ बोलें। एक आंटी जी बैठी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आंटी थोड़ा सा बात करना चाहोगी? जरा सा ऐसा बात करना चाहोगे आप? करना ही नहीं चाहोगे, पहले हंस दिए। आपसे बात कर सकते हैं क्या? ये बताइए आपकी शादी हो गई क्या? तो शादी ठीक है। शादी के बाद आपको कैसा लग रहा है? मतलब मैं ऐसा ओपिनियन लेना चाहता हूँ, मैं शादी करने वाला हूँ तो ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि मतलब शादी के बाद करना सही रहेगा या नहीं, तो आप क्या कहना चाहोगे? मतलब शादी बाद 50-50 बुरा भी लगता है अच्छा भी लगता है? लड्डू वैसे भी खाना ही है, फिर बाद में पछताना है वो कुछ है। हाँ मतलब शादी का लड्डू खा के पछताते हैं लोग, तो एक काम करें खा के ही पछताते हैं। जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो भाई मतलब 50-50 भाई बोला इन्होंने कि शादी करने के बाद टेंशन भी है और अच्छा भी है, क्योंकि कोई एक सपोर्ट करने वाला अपने लाइफ में जुड़ जाता है। तो इस तरीके से आप लोग शादी वगैरह कर सकते हो। हाँ शामें मलंग सी हो गई यहाँ पर आके भाई, क्या ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। मुझे इतना बिंदास लग रहा है ना भाई, अगर मैं गलती से किसी के साथ आया होता तो इतने मज़े ना ले पाता मैं यार, क्योंकि बाउंडेशन फील होती है अपने को यार, यहाँ चलो वहाँ खाओ वहाँ दौड़ो, इसीलिए थोड़े ना पैदा हुए हैं, जो बोलो बस वही करते रहें। तो मज़ा आ रहा है मस्त एकदम।
आप लोग भी इंजॉय किए हमारे साथ। ओपिनियन आपने ले लिया शादी करना सही रहेगा नहीं रहेगा, बहुत लोगों ने बताया अपनी दिल की बातें शेयर करी, बूढ़े लोगों ने, जवान लोगों ने, हैं। तो इस तरीके से आप भी मतलब समझ सकते हो कि करना है या नहीं करना है, आपके ऊपर डिसाइड है, करो या ना करो। बाकी मेरा जो था मैंने कर दिया। तो भाई उम्मीद करते हैं कि अब मेरा ये ब्लॉग आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा, वीडियो ज़रूर सभी पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दें, एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुछ ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।